आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप देख सकें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के फजल से मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बना रहे हैं एप्पल और कोकोनट का केक, मतलब एप्पल और कोकोनट इस्तेमाल होगा उसके लिए केक बना रहे हैं। तो बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही डिलीशियस बनता है, बच्चों को तो बहुत पसंद आता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ बच्चों का नहीं, सबको बड़ों के लिए भी पसंदीदा है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिया है मैदा, ये वाला प्याली, डेढ़ प्याली भर के जो है मैंने मैदे की ले लिया है। यहाँ पे मेल्टेड 2 चम्मच बटर है, 6 से 7 चम्मच जो है चीनी लेके इसको पीस लिए है, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का है, 3 चम्मच कंडेंस मिल्क है। यहाँ पे लिए 1.5 चम्मच भर के नारियल का बूरा लिया है मैंने, अगर आप फ्रेश डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो है बूरा लिया है। दूध चाहिए हस्बे ज़रूरत, मुझे जितनी ज़रूरत होगी मैं ले लूँगी। यहाँ पे 3 अंडे लिए हैं, जर्दी अलग की और सफ़ेदी अलग कर लिए है, वनीला एसेस लिया है मैंने, तो 1 एप्पल ले लिया है। अब शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसे बनता है। बहुत ही मज़े का बना है, पहले भी बनाया है मैंने, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको भी लाइक दीजिएगा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अब जो है बीटर की मदद से मैं दोनों को अलग अलग बीट कर लूँगी, तो फिर दिखाते हैं आप लोगों को। जी ये देखें, दोनों अच्छे से बीट कर लिया है मैंने, ये सफ़ेदी और ये जर्दी है। जी यहाँ पे ले लिया है मैदा, मैदे में मैं डाल दूँगी चीनी, बेकिंग पाउडर मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स हो गया है। ऑयल डाल देंगे, ऑयल नहीं सॉरी बटर, 2 चम्मच जो थे बटर ये डाल देंगे। यहाँ पे कंडेंस मिल्क डाल देंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। आधा चम्मच डाल देंगे नमक का। अब जो है सफ़ेदी अंडे की जो मैंने बीट करके रखी है वो डाल देंगे, जर्दी ये भी डाल देंगे एक साथ, मिक्स करेंगे अच्छे से। जी जितना अच्छे से बीट होगा या मिक्स होगा तो उतना अच्छा नरम वाला केक बनेगा। तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसको बेटर की मदद से मिक्स करूँगा, अगर आप चाहते हैं तो हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन जो है मैं बेटर की मदद से इसको फिर मिक्स करती हूँ। जी ये देखिए बेटर की मदद से मैंने जो है अच्छे से इसको बीट कर लिया है। अब मैं डाल दूंगी वनीला एसेंस, चले ये तो हो गया, अब मैं कर लूंगी सेब को छील के कद्दूकस कर लूंगी। जी यहाँ पे देखें मैंने सेब को छील लिया है, छीलने के बाद मैं कद्दूकस कर लूँगी। अगर आप चाहते हैं कि पहले से ही ये काम निपटा के रख दें तो कद्दूकस करके ऊपर से 1 लीमू निचोड़ के रख सकते हैं, वरना ये काला हो जाता है फिर अजीब सा लगता है, तो मैं इसको कद्दूकस कर लूँगी। जी ये देखें कद्दूकस हो गया है, अब जो है ये मैं डाल दूँगी बैटर में, जी सेब जो है इसमें डाल दूंगी, मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स हो गया जी, अब जो है मैं थोड़ा सा डाल दूंगी फूड कलर, जर्दा फूड कलर है, येलो फूड कलर है, तो ये डालूंगी अच्छे से मिक्स कर लूंगी फिर।
जी अच्छे से मिक्स हो गया है, मैं डाल दूंगी इसमें। इस तरह का बैटर बनाए। यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोग को बताना भूल गई थी कि ना अंदर से मैंने ग्रीस कर लिया था, मक्खन लगा लिया था, मेरे पास बटर पेपर नहीं था। अगर आपके पास बटर पेपर है तो बटर पेपर लगा लें। तो दूसरा ये कि मक्खन या देसी घी से केक बनाए बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, ज़्यादा ऑयल से कम। ऑयल में भी अच्छा बनता है लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी जो होता है जिसको कहते हैं वो मक्खन से बनता है। अब ऊपर से हल्का सा जो है ये नारियल का बूरा जो है वो डाल दूँगी। यहाँ पे पतीला 5 मिनट पहले मैंने गरम कर लिया है, अब जो है ये इसमें रख दिया है। अगर आपके पास ओवन है तो ओवन में भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास भी है ओवन। मैं कहती हूँ सब एक जैसे बनाए, हो सकता है किसी के पास ना हो तो पतीले में, इसलिए मैं बनाती हूँ। तो अब जो है इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, फिर भी चेक करते रहेंगे। जी ये देखें केक हमारा बेक हो चुका है, तकरीबन इसको जो लग गए हैं 25 मिनट लग गए हैं। तो ये देखें मैंने पहले चेक करके रख लिया था, तो चूल्हा कर दिया है मैंने बंद। अब मैं दिखाती हूँ आपको निकाल के, बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप टेस्ट करेंगे फिर दिखाएंगे आप लोगों को, तब तक हम निकाल लेते हैं फिर दिखाते हैं आप लोगों को। क्योंकि मैंने कोकोनट का बूरा और डाल दिया था क्योंकि बच्चों को पसंद है, तो बच्चों ने कहा मम्मी और सा डाले थोड़ा सा, मैंने थोड़ा सा और डाल दिया था। तो आपका मसला नहीं, आप जितना आपको पसंद है, नहीं पसंद तो मत डालें, लेकिन मैं मेरे बच्चों को पसंद है मैंने डाल लिया था। जी ये रहा हमारा यमी सा और मज़े का केक, मैंने काट के देखा है थोड़ा सा, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखें बहुत ही बढ़िया आया, अभी गर्म है, ठंडा होने के लिए मैं छोड़ दूँगी। और बहुत मज़े का बना है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद है लाइक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।